अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज की जो वीडियो है ये वो खलील और मातमा साहब का इशू चल रहा था, वो है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, मेरे बहुत पसंदीदा हैं शख्सियत हैं वो, और लिखते हैं कमाल लिखते हैं। तो मैंने उनका एक वो एक डायलॉग था ना कि दो टके की औरत, ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। मैंने आप जो लोग मुझे जानते हैं काफी, मैंने 5 साल में ये लॉ ऑफ एक्शन का कानून काफी पढ़ा और मैंने बहुत ज्यादा सीखा। फिर जो ज्यादा इशू चल रहा हो वैसा होना शुरू हो जाता है। कोई बंदा अगर बार बार कहे, जैसे माइक टायसन था, मैं कामयाब हूँ मैं कामयाब हूँ, वो कामयाब हो गया। जैसे अक्सर हम कोई चीज कोई किसी इशू पे सबसे ज्यादा लोग बहस करते हैं तो वो इशू होना शुरू हो जाता है। ये मुझे आया लॉ ऑफ एक्शन का कानून मैंने रात में पढ़ा तो मुझे बहुत ये याद आया, इस 2 टके की औरत। तो मैं आपको बताता चलूं, क्लियर मानकमर साहब, पता नहीं आपके कोई सितारे गर्दिश में क्या हुआ, रोजा तो नहीं तोड़ा था भाई जान आपने, कोई गलती की होगी, आपको अपना सदका देना चाहिए। वाकई 2 टके की औरत ने आपके साथ मत्था लगा दिया। जो औरत वो लड़ाई हो रही थी उस दिन मैं देख रहा था, और उसकी सारी मैंने गुफ्तगू सुनी, उसके बाद उस और चैनलों पर भी मैं उसको सुना, वो बाकी 2 टके की औरत है। 2 टके की औरत इस पूरे माशरे को खराब करना चाहती है, जिसको कोई हक नहीं बनता। ना हमारा कुरान इजाजत देता है, ना हमारा मजहब इजाजत देता है, बिल्कुल भी हमें इस चीज में इजाजत नहीं देता। मजहब, कुरान, हदीस, फिका, रवायात, बिल्कुल हमें इजाजत नहीं देता वो जो करना चाहता। उसने भी साबित कर दिया कि जो वो काम करना चाहती है वो 2 टके की औरत करती है। मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तानी जहां जहां हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए खलीलुर रहमान कमर के नजरिए। औरतों का हकूक होना चाहिए, 100% होना चाहिए, औरतों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। या पाकिस्तान के आईन ने औरत को हक नहीं दिया? दिया है, मिलता नहीं है। अदालतों में फैसले उनके खिलाफ होते हैं, इनको ये आवाज उठानी चाहिए। क्या मुतरमा जो कह रही थी, कभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन किसी कचहरी में जाकर देखी औरतों के साथ क्या हो रहा है? अब यही है ना, जुल्म हो रहा है, लेकिन देखें जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह क्या है? क्या खाली मर्द उसकी वजह? नहीं, ताली दोनों हाथों से। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपका आपने एक छोटा सा वो नारा था, आपने कहा था कि खुशी का दिन होगा, खुशी का समा होगा जब औरत को तलाक होगी। या कुरान हदीस में कहीं लिखा है किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? अल्लाह का हुक्म क्या है? 2 दिलों को जोड़ें, अगर मियां बीवी में लड़ाई हो गई है उनमें सुलह करा दें, छोटे छोटे जो खदशात हैं उनको दूर कर दो। आपने ये तक नारा लगवा दिया, तलाक हो तो बहुत अच्छी है, तलाक हो तो खुशी होनी चाहिए, खुदा का खौफ करें। आपकी इस वजह से जो पहले मार्च हुआ उसके बाद अभी जो आप मार्च करना चाहती हैं उसके बाद आप देखे हो कह रहा है, आप खुला खुला एक पैगाम दे रही हैं। ये कौन सा नारा है? आपके बिस्तर को हम क्यों गर्म करें, हम आपके कपड़े क्यों धोएं, हम आपके मोजे को ढूंढे, हम आपका खाना क्यों गर्म करें? क्या 1400 साल से भी इस्लाम चलता है? क्या हमारे औजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने खिदमतें नहीं की? हम आज भी पैसे जोड़ के कहते हैं माँ को, माँ को हज करवाना है, आप औरतों के हकूक की किस तरह की बात करेंगे? एक आदमी सिगरेट लगाया हुआ हकूक की बात करें? क्या आज भी पाकिस्तान में सारी उम्र बहनों की मदद नहीं की जाती, बेटियों की मदद नहीं की जाती, गरीब गुरबा औरतों को राशन नहीं दिया जाता? आपको अंदाजा है कि इस माशरे में जो औरत है वो तलाक लेने के बाद कितना जलील हो जाती है, आटे के लिए तरस रही होती है? इस तरह की जो हकी बात है वो जमात इस्लामी दे रही है हर बेवा औरत को, हर यतीम बच्चे को जमात इस्लामी दे रही है, 3 माह में 70-70 हज़ार दे रही है, उनको कतर से पैसा आ रहा है। इंसानियत की भलाई के काम वो करें,
आप ये मार्च करें, ये काम का तरीका है? आप औरतों के हक में बात करें, पूरा मुल्क आपके साथ है, हकूक क्यों नहीं दिलाए जाते इस पे बात करें, पूरा मुल्क आपके साथ है। लेकिन ये जो वल्गर नारे है, ये जो बदतमीजी है, आप टीवी पे बैठ के आम जवान बच्चों बच्चियों को या छोटी उम्र की बच्चियों को कौन से हकूक सिखा रही है? आपसे एक आम घर की बच्ची क्या सीखेगी? या हम अपनी बच्चियों को या इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं अपनी बच्चियों को आपकी तस्वीर दिखाएं, आपकी वीडियो दिखाएं, क्या आप इस माशरे का रोल मॉडल हैं? तो तबाह कर दें हम सब कुछ। औरतों का हक होना चाहिए, कुरान ने कहा है औरतों का हक है, हदीस में औरतों का हक है, हमारी रवायात में हक है, हर जगह औरतों का हक है। लेकिन आप कौन सा हक लेके आ रहे हैं? लिबरल तुर्की नहीं, आपकी एक आप जैसी एक भी औरत मुद्दा ऐसा नहीं। हकूक वो हो जो सीधे सीधे हो, किसी को नजर आए, सड़कों पर इस तरह के बलगर नारे लेके। जैसा कि मैंने कहा, आज मुझे फोन आया मेरे जिसमें मेरी मर्जी, मैंने कहा मैडम इस पे तो पाबंदी लग गई, कहती है मेरा पिंडा मेरी मर्जी है, वो बात करने वाली। खुदारा आप ऐसे काम करें जिसमें औरत को तहफ्फुज़ मिले, जो आप करना चाहते हैं इसमें सिर्फ घरों में लड़ाई होगी। और जब अपने मियां को रात को कहेगी ना अपना सालन खुद गर्म कर लो, तो उसके घर में लड़ाई होगी, अपने कपड़े खुद धो लो, घर में लड़ाई होगी। तो सारा दिन काम करके आए आपके लिए, औरतों के लिए हम कमाते हैं। हर मर्द अपनी औरत के लिए पैसा कमाता है, हर मर्द अपनी औरत की इज्जत करता है, अपनी माँ की बहन की बेटियों की हर बंदा इज्जत करता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आप क्या कर रहे हैं। खलीलुर्रहमान कमर साहब ने जो कहा जो लिखा वो माना जाता है, लेकिन जो आप कर रही है ये हमारी समझ से मानता है। इस्लाम आपको इज्जत देता है, मजहब आपको इज्जत देता है, हम आपको इज्जत देते हैं, सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन जो आप कर रही है ये गलत। मेरी अपील है पूरे पाकिस्तान में दोस्तों से, और जो मुसलमान है कलमा गो है उनसे अपील है ये वो इस मार्च की कामयाबी का बिल्कुल फख्र न करें, ना ही इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगा। हम औरत को इज्जत देते हैं, देते रहेंगे, इनका तरीका बहुत गलत है। शुक्रिया।